विराज बंधु। हेरा नरम नरम यो गात गरम मन लिया देखो तुम्हें, नरम नरम यो गात गरम मन लिया देखो तुम्हें, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, हेरा घूंघट की ओट में। केलेरी इन आँखों में जो नशा के सुता हो जासे, केलेरी इन आँखों में जो नशा के सुता हो जासे, हेरा मर जानी तेरा भोला पन मेरे भीतर लेने मोह जासे, हो केलेरी इन आँखों में जो नशा के सुता हो जासे, हो काला तिल तेरे गोरे गाल पे खड़ा सपोर्ट में, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, हेरा घूंघट की ओट में। पांच सात का कद तेरा ऊपर ते कट खाना रे जोबन, मां कसम से हद तेरा मखा टोहे ते भी पावे ना, यो पांच सात का कद तेरा ऊपर ते कट खाना रे जोबन, मां कसम से हद तेरा, फिर एक तरफा हो रहा से ना कोई तेरी जोट में, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो रे घूंघट की ओट में, हेरा घूंघट की ओट में। फिर सुकर करूं तेरे बाबू का जो मारे पप्पो से ब्याही तू, सुकर करूं तेरे बाबू का जो मारे पप्पो से ब्याही तू, सुकर करूं तेरे बाबू का जो मारे पप्पो से ब्याही तू, हे राम जी ने पूरे कर दिए एंडी चीज बनाई तू, फिर सुकर करूं तेरे बाबू का जो मारे पप्पो से ब्याही तू, नवीन विशु की इसी बहू ना पावे खोट में, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, हेरा घूंघट की ओट में। सोनोटेक कैसे देसी देसी ना बोलिया कुल छोरी रे, इस देसी की फैनी अपनिया हो रही रे, देसी देसी ना बोलिया कुल छोरी रे, इस देसी की फैनी अपनिया हो रही रे, मेरी माँ बोले जो बोली वो ना छोटू मैं, जब मेरी तरफ में कलियर मैडम सोरी रे, we'll be right back.
है कोई बात ना, पर बोलिया पाछे काम खानू नाक ना चढ़ाया कर। और कितने काटिए तू जाके अंग्रेजी चार अखरा की मेरे को मरोड़ ना दिखाया कर। राम राम बोल छोरी हाय हेलो छोड़, अंग्रेजी में तो आत्मारा घना तंग से। सहरा वाले कहते होंगे हाउ आर यू, मारे गम में तो सीधा बोला के ढंग से। यू ना सोचा मुन्ने बोली ना ऐसी बोल ढंग के की लठ गाड़ दिया। पौवा भी है पाछे जब बोला अंग्रेजी, अंग्रेज भी रुक गए वाओ चा पाड़ दिया। मजाक ना बनावे मेरे देश बने तो छोरी देसी रहना सेना मन कर के सिखावे से। दोहरा दाया मिल मन कुर्ता पजामा, मेरी माँ मेरे कान तले काला टीका लावे से। देसी मेरे बोल छोरी, देसी मेरी बात छोरी, देसी है कलम और देसी मेरा गाना। जिसने तू सारी हाना देसी देसी कहे जा सक उसे देसी मेरे सारा चावे हरियाणा।
करेंगे तो किस तरह दर्द से मेरी माँ खुशी हो जाएगी और क्या कहने लगे पहली बात में कितना दिया Thank you.
बात नहीं होगी। और आज के कल्चर को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि भगत सिंह के फोटो कार के पीछे छापे थे, भगत सिंह जैसी मूछ रखने थे और भगत सिंह की टी शर्ट पहने थे, कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। भगत सिंह बनने की टाइना के चाहिए अकेला में बैठी हूँ मैं बताऊंगी। चाइना में बनती है, पता नहीं क्या क्या फॉरेन
हमारी पीछे पे कई लोग उसको दोस्त बोलते हैं, कई लोग उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम दे देते हैं, कई लोग उसे पति पत्नी का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा एक शख्स जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। भगत सिंह की गर्लफ्रेंड बीवी जो भी था, वो हमारे देश का और हमारे देशवासी थे, और उनकी बीवी की आजादी जो वो चाहते थे और वो करके गए। इसलिए एक बात कहूंगी, लेकिन हिंदुस्तान से बड़ा कोई सनम नहीं होता। ये युवा सभी को आशिक चाहिए आशिकी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान से बड़ा कोई सनम नहीं होता। और जाने कितनी आशिक जाती होगी कैसे कैसे कपड़ों में, लेकिन उस तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता, और उस तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। भाई आखिर बात कैसे मेरे भगत सिंह बदल जी I'm
Jaja, teri teri baatein ko.
चुरा लिया है तूने वो दिल को आपसे गाड़ी ले लूंगा कैसे Oh,
तरसती थी। हिंसा हिंसा कर पर लगा करती है, हिंसा का मान नहीं होता और जुड़ कर पायल नहीं बनता तो भी मां का ज्ञान नहीं होता। अरे उसने पार भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता चाहे कितने ही मान ही मर जाते आजादी का सेना। Thank you.
के लिए आखिरी कली के अंदर शहीदों को याद करते चलते हैं। क्या बात सुनी ना साथियों। भी कुछ दिन पहले विदेशों में जब पदक की दौड़ में हिंदुस्तान बिल्कुल पीछे रह गया बबलू नागर जी, तो एक लड़की निकल करके आई और हिंदुस्तान की लाज बचाई। वो कौन कौन लड़की थी कैसे बताइए? Thank you.
अगर जन कितने मेडल होते, जन कितने मेडल होते, कुछ लोग जब घरों में बच्चा होता है तो डॉक्टर के जाते ये चेकअप कराने के लिए कि बेटी है या बेटा। अगर बेटी है, अगर बेटी है तो इसे गड़बड़ कर दीजिए जाए, और अगर ये गड़बड़ नहीं होती तो कितने मेडल होते कैसे बता देते। और शिव भाई बताना चाहता हूँ, अब जो बेटियों को खोते हैं बेटों के चक्कर में, एक बात बताऊं मैं आपको, ये सपना चौधरी जी इस बात का प्रमाण है। शिव भाई मेरी बात को सुने, शिव जी ये सपना चौधरी इस बात का प्रमाण है कि आपने बिग बॉस में देखा होगा, एक दिन एक बात आई थी कि जितने बिग बॉस में कैंडिडेट है अपनी अपनी गोपनीय बात बताइए। जब गोपनीय बात की बात आई तो सपना चौधरी जी ने बताया था कि मैं आईएएस बनना चाहती थी, बबलू नागर जी, कि मैं आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी मुझे बीच में छोड़ करके चले गए। और जब मैंने अपनी माँ की तरफ को लखाया तो मैंने अपने इरादे बदल दिए और पूरे परिवार के बोझ को अपने सिर पर रख लिया। कई बार बेटा चूक जाते हैं लेकिन जितनी सेवा बेटी करती है इस कली को कैसे बता दिया। आजाद मंडोली कथे नायकोली